मैं गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की जानिब से इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब, प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई साहब सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब, डॉक्टर परवेज अली अहमद साहब, नवेद मसूद साहब, जनाब एसवाई कुरैशी साहब, शहनाज परवीन साहबा, डॉक्टर सरोज हुदा साहब, तौफीक साहब, जावेद रहमानी साहब, नीज तमाम नाजरीन का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। खसूसी तौर पर मैं जनाब डॉक्टर एस वाई कुरैशी साहब, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत हिंद का मशहूर ममनून हूँ कि आप आज फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल खुतबा बानवान क्या मुसलमान हिंदू आबादी पर गलबा हासिल कर रहे हैं, पेश फरमाइए। आप हमारे अहद के चंद ऐसे नामवर आईएएस में से हैं जिन्होंने अपनी काविशों से अपना मुनफरिद मकाम बनाया है। आपकी तसनीफ पॉपुलेशन मिथ आजकल सुर्खियों में है। आज के फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर की सदारत मशहूर मारूफ ब्यूरोक्रेट जनाब नवेद मसूद साहब फरमाएंगे, जो 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। आपने सूबाई हुकूमतों और मरकजी हुकूमत में अपनी गरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं। आप गालिब इंस्टीट्यूट के मुअज्जज़ ट्रस्टी हैं। मैं आपका दिल की अमीर गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। हजरात, पहला फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर बाउनवान उर्दू अदब और कौमी यकजहती प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी साहब ने 5 मार्च 1983 को पेश किया था। उनके अलावा प्रोफेसर आलिया मसरूर साहब, जनाब कुलदीप नैयर, जनाब एम अहमदी साहब, डॉक्टर करण सिंह, जनाब हामिद अंसारी साहब वगैरह फखरुद्दीन अली अहमद खुतबात पेश फरमा चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद साहब की शख्सियत बयाक वक्त सियासी भी है, तहजीबी भी है और इल्मी भी है। वे हिंदुस्तान की उस रिवायत की नुमाइंदगी करते रहे हैं जिसमें वसीउ नजरी भी है, कुशादा कलबी भी है और हिंदुस्तान की तहजीबी रंगारंगी का एहतराम भी। वो वजीर भी रहे और मुल्क के आला तरीन मनसब सदर जमहूरिया के ओहदे पर भी फायज रहे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब के दादा काजी खलीलुद्दीन अहमद साहब गांव कचरी हट्टा तहसील गोरघाट जिला सिप सागर आसाम के रहने वाले थे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब की विलादत 1905 को कोठी नंबर 16 वाक़े दरियागंज नई दिल्ली में हुई, जहां आज आगरा होटल है। आपके वालिद जनाब जुन्नून अली अहमद साहब अंग्रेजी फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फाइज थे। उस वक्त आपकी रहाइश दरियागंज नई दिल्ली में थी। 1966 में आप हुकूमत हिंद में कैबिनेट मिनिस्टर मुकर्रर हुए। वो एक के बाद दीगर कई वजारतों में रहे, जिस वजारत में भी रहे उसकी हालत ठीक कर दी। दिल्ली आकर उनका अदबी जौक भी परवान चढ़ा। 1969 में दुनिया भर में गालिब सदी तकरीबात मुनक्किद की गई। फखरुद्दीन साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, मोहतरमा इंदिरा गांधी और दीगर मुहिब्बान गालिब और उर्दू की काविशों से गालिब इंस्टीट्यूट का क्याम अमल में आया। फखरुद्दीन अली अहमद साहब 1974 को सदर जमहूरिया हिंद मुंतखब हुए और 1977 को सदर जमहूरिया हिंद रहते हुए आपकी वफात हुई। नाजरीन, मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ जनाब डॉक्टर एस वाई कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आज का खुतबा पेश फरमाएं। शुक्रिया इदरीस साहब और मौजूद खातिन हजरात, मेरे लिए बहुत ही बाइस फख्र है कि फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर के 26वें किस्त के लिए मुझे चुना गया। इतने इम्पोर्टेंट लोगों ने इससे पहले ये लेक्चर दिए हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में मेरी चॉइस मुझे थोड़ा हम्बल करती है कि मैं इस पे पूरा उतरूंगा कि नहीं। बड़ा प्रोवोकेटिव टाइटल है जो हम लोगों ने चुना आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि आजकल की पॉलिटिक्स इसी प्रोपेगेंडा के गिर्द घूम रही है और मुसलमान और हिंदुओं में तफरका करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान बहुत जल्दी ओवरटेक कर लेंगे हिंदू पॉपुलेशन को, जी बहुत जल्दी, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, और कई बार पिछले 15 साल में डेट दी जा चुकी है, 2-2 साल, 4-4 साल बाकी, लेकिन चूंकि वो नहीं होता है तो वो डेट पे आगे
थोड़ी सी मुलतवी कर देते हैं। मैं इस सवाल का जवाब बजाय इसके कि आप एंड में सुने, सवाल का जवाब ये कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुसलमान इन दो से नंबर्स में आगे निकल जाए। हालांकि इस प्रोपेगेंडे की वजह से हिंदुओं में एक फियर और हॉस्टिलिटी पैदा की जा रही है मुसलमानों के लिए, देखो ये लोग जल्दी कब्जा कर लेंगे, अपनी सरकार वापस लाना चाहते हैं मुसलमानों की, और इसलिए इससे बचना है तो आप भी ज्यादा आबादी बढ़ाओ। और राइट विंग के हिंदू फोर्सेज हिंदुओं से अपील करते हैं कि आप भी 8-8 10-10 बच्चे करो, जैसा कि मुसलमान पैदा करते हैं 10-10 बच्चे। इस सिलसिले में जो मिथ है, मैंने पिछले दिनों किताब लिखी जिसका इतरी साहब ने हवाला दिया, जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम मुस्लिम्स एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, इस्लाम मुस्लिम्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो उस पर बेस्ड आई थिंक मेरे ख्याल में इदरी साहब वो कुरैशी साहब के यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया, वो आ जाएंगे अभी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। जी बेहतर, उनको फोन कर लें कि कोई साहब फोन कर लें। माफ कीजिए, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती है। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो मैंने जो मिथ्स क्रिएट किए गए हैं उनको एनालाइज किया, और इस लेक्चर में मैं 5 मिथ्स पर फोकस करूंगा। सबसे पहला मिथ तो ये कि मुसलमान इतने ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल है। इम्प्रेशन जनरली ये क्रिएट किया जाता है कि अगर हिंदू फैमिली के, एक तो मैं माफी चाहता हूँ कि इस पूरे लेक्चर में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बहुत बार आएगा, जो इसको कहते में मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन चूंकि ये टॉपिक ही यही है इसी बारे में, इसलिए उसका उससे गुरेज भी नहीं किया जा सकता। तो इम्प्रेशन ये किया जाता है कि अगर हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 होते हैं, 10 नहीं तो 8-9 तो होते ही होते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि कभी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 1 से ज्यादा बच्चे का गैप नहीं था, सिर्फ 1, और वो भी अब घर, क्योंकि मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदुओं से ज्यादा तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो गैप अब घट के सिर्फ आधे से कम रह गया, 0.48, यानी 1 बच्चा क्या आधा बच्चा, स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग इससे ज्यादा का गैप नहीं है। ये फैक्ट है कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग के अडॉप्शन सबसे कम है, यानी 45%। ये इसमें जो सेंसस, आखिरी सेंसस था 2011 का, उस डेटा पर बेस्ड है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर 5-7 साल में किए जाते रहे हैं, पिछले 4 हो चुके हैं, 5वें कभी रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन ये NFHS 4 तक जो 2016-17 तक हो गया था वो उस तक का डेटा लिया है। ये सारा डेटा भारत सरकार का डेटा है, ये मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगा। तो ये फैक्ट है कि मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग की प्रैक्टिस सबसे कम है 45%। लेकिन जो चीज छुपाई जाती है और यह नहीं बताई जाती कि हिंदुओं की नंबर 2 पे है 56%। इसको अगर आप कंट्रास्ट करें सिखों की 80%, 80 से 78-80% के करीब सिखों ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर ली है, उन पे भी पिछले दिनों खालिस्तानी होने का इल्जाम लगा दिया। पिछले इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपनी स्पीच में ये बोला कि जिनके बच्चे कम होते हैं वो पेट्रियोटिक है, पेट्रियोटिज्म से जोड़ा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने। उस लिहाज से सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक तो सिख है, उनको क्या ये मानने को तैयार है कि वो सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक है, और सबसे कम पेट्रियोटिक मुसलमान है, ये तो कहा ही जाता है, एलिगेशन है। लेकिन जो मैं एलिगेशन अब लगाने जा रहा हूँ कि मुसलमानों के बाद अगर सबसे कम अनपेट्रियोटिक है वो हिंदू है, अगर प्रधानमंत्री जी का फॉर्मूला
इस पर अडॉप्ट किया जाए कि जिनके फैमिली प्लानिंग अच्छे अडॉप्ट करते हैं वो पेट्रियाटिक, जो नहीं करते वो अनपेट्रियाटिक। तो मुसलमानों में सबसे कम, हिंदुओं में उससे नंबर दो पे। तो ये फैक्ट हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरा ये कि इसमें TFR एक लफ्ज है, बार बार एक टर्म यूज होगी, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अ वोमन। टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अ TFR का मतलब होता है कि एक औरत के जितने पूरे उसके लाइफ टाइम में जितने बच्चे होंगे वो TFR कहलाते हैं। तो ये भी फैक्ट है कि मुसलमानों का TFR हाईएस्ट है। लेकिन दूसरा फैक्ट ये कि सेकेंड हाईएस्ट हिंदुओं का है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सप्रेस किया जाता है, इसको हमें याद रखना चाहिए। यानी अगर मुसलमान पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन एक्चुअली हिंदूज का है, तो वो हमें समझना चाहिए। तो सेकेंड हाईएस्ट TFR इसमें जो हिंदुओं का है 2.1, मुसलमानों का है 2.5, हिंदुओं का है 2.13। नाउ एक और टर्म जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट यह है कि जब आबादी बढ़नी बंद हो जाती है और दो माँ बाप हैं वो जब चले जाएंगे तो उनके दो बच्चे उनकी जगह रिप्लेस उनको कर देंगे, तो वो रिप्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन हो गई। 2.1 इज अवर रिप्लेसमेंट रेट इन इंडिया। ये 0.1 कहाँ से आ गया? 0.1 इसलिए है कि कुछ बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के बाद 6 महीने, साल भर, साल दो से 5 साल तक उनके डेथ हो जाते, तो उतना मार्जिन रखने के लिए 2.1। अगर इसका मतलब है अगर हिंदुस्तान में सभी औरतों के एवरेज TFR 2.1 है, दैट मीन्स आबादी बढ़नी बंद हो जाएगी, बस सिर्फ रिप्ले इतनी होगी कि जिससे पुरानी आबादी रिप्लेसमेंट होती चली जाए। तो इसमें एक और स्टेटिस्टिक है कि 1951 जो सबसे पहला सेंसस था आजादी के बाद, उसमें मुसलमानों की जो आबादी थी वो सिर्फ 30 करोड़ के लगभग थी, और सॉरी 3 करोड़ के लगभग थी, और हिंदुओं की 27 करोड़ थी। वो गैप बढ़ के अब 70 करोड़ हो गया है। तो गैप तो बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। तो इसलिए ये जो 67 करोड़ हिंदुओं की आबादी बढ़ी मुसलमानों के 13 के मुकाबले में, यानी 5 गुना आबादी तो हिंदुओं ने कंट्रीब्यूट की मुसलमानों के मुकाबले में। नाउ 1951 में 26 करोड़ हिंदू मुसलमान थे, और अब वो बढ़ के जो जो गैप था हिंदू मुस्लिम में वो 26 करोड़ था, वो अब बढ़ के 80 करोड़ हो गया है, 80.8। इस तरह ये प्रोपेगेंडा के मुसलमान हिंदू से आगे बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल ही मुहमल और बेबुनियाद है। देन इसमें दूसरा मिथ कि मुस्लिम पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो डेमोग्राफिक बैलेंस ऑफ द कंट्री को डिस्टर्ब करे, यानी जो डिफरेंट कम्युनिटीज की पॉपुलेशन है उसके जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो रही है। कुछ हद तक ये एलिगेशन ठीक है। किस तरह ठीक है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 9.8% थी, जबकि हिंदुओं की आबादी थी 84%। हिंदू घट के 84 से घट के 79.8 पे आ गए, यानी 4.2 उनका रिडक्शन हुआ। मुसलमान ये जो रिडक्शन हुआ हिंदुओं में, ये सारे कौमों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मेनली और सबसे ज्यादा मुसलमानों में गया ये, और मुस्लिम पॉपुलेशन 9.8 से बढ़ के 14.2 पे आ गई। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं ला रहा यार, मैं सारे स्टेटिस्टिक जो बोल रहा हूँ स्क्रीन शेयर लाइए। यस सर, अभी फौरन किया सर। बहरहाल जब तक ये स्क्रीन शेयर आता है कि 1951 में 9.8 मुस्लिम जो थे वो बढ़ के 14.2 हो गए। इस बेसिस पे कहा जाता है कि मुसलमान कब्जा कर लेंगे। अब 60 साल में यानी 1951 से 2011 के स्लाइड नंबर 4 पे जाइए,
हाँ इसको इसको ऑन कर दीजिए स्लाइड शो और स्पे दूसरे दूसरे पे जाएं नेक्स्ट नेक्स्ट बस हाँ ये जो है डेमोग्राफिक रेशियोज में आप देखें 9.8 जो 51 में थी वो 14.2 हो गई, यानी 60 साल में 4 percentage point इजाफा मुसलमानों में हो गया। मेजोरिटी बनने के लिए 14% तो काफी नहीं है, 51% होना चाहिए, यानी 40% बढ़ना चाहिए। तो उस 40% अगर बढ़ना है तो 60 साल में अगर 4% बढ़े हैं तो 40% बढ़ने के लिए 600 साल चाहिए। नौ 600 साल अगर कुछ हम ना करें, फर्दर कुछ ना करें, जब जबकि बहुत कुछ हो रहा है, यानी मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग की एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस बेसिस पे कहना कि बस आ गए मुसलमान, बस इनका कब्जा होने वाला है, जानबूझ के ये कर रहे हैं, आप ये फिगर देख लीजिए। मैंने जैसे पहले बताया था कि मुस्लिम आर अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग फास्टर देन हिंदूज, तो जो गैप एक बच्चे का था, टू बी प्रिसाइज 1.1 का था 30 साल पहले 1951 में 91 में, अब वो घट के 0.48 आ गया, क्योंकि मुसलमान हिंदू के मुकाबले में बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो NFHS-4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत सरकार कराती है हर 5-7 साल में, ये 92-93 का NFHS-1 में जितना गैप था वो 1.1 था 91 में, और अब वो घट गए 0.48 पे आ गया है, मुस्तकिल घटता चला जा रहा है, ये आपको इस स्लाइड से देखने में मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड है। अब मिथ नंबर 3 कि देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी बाय मुस्लिम टू ओवरटेक द हिंदू पॉपुलेशन टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर, कि जानबूझ के मुसलमान ये बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि उनको पॉलिटिकल पावर हासिल हो जाए, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी है, और बस कामयाबी होने वाले हैं 2-4 साल में 5 साल में बस आ जाएंगे, ये हमने हजारों बार सुना पिछले 30 साल में 40 साल में। और राइट विंग वाले हिंदू से अपील करते हैं कि तुम भी 8-8, 10 बच्चे नहीं करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे और तुम माइनॉरिटी हो जाओगे। शुक्र है खुदा का कि हिंदुओं ने इनके राइट विंग की बात को सुना ही नहीं और उस पर अमल नहीं किया, वरना तो एक प्रोक्रिएशन वॉर शुरू हो जाती और हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते, बजाय इसके कि फैमिली प्लानिंग एडॉप्शन का कॉम्पिटिशन हो, बच्चे ज्यादा पैदा करने का कॉम्पिटिशन होता। सो ऑब्वियसली हिंदूज हैव नॉट टेकन दिस अपील सीरियसली और उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अच्छी तरह अडॉप्ट किया। नाउ मैंने तो आज तक 74 साल की मेरी उम्र है कि किसी मुस्लिम लीडर या स्कॉलर के मुंह से ये मुसलमानों के लिए ये अपील करते हुए नहीं सुना कि भाई बच्चे ज्यादा पैदा करो ताकि तुम पावर में आ जाओ। ये जरूर सुना है कि उलमा मुसलमानों से ये कहते हैं बहुत सारे कि फैमिली प्लानिंग इस्लाम के खिलाफ है इसलिए फैमिली प्लानिंग ना करो, लेकिन ये पॉलिटिकल रीजन से ना करो ये हमने कभी किसी के मुंह से आज तक तो नहीं सुना। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की प्रोफेसर दिनेश सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे अभी 4-5 साल पहले तक और बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई दिनेश भाई मेरे लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बना दो, कि मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है कि अगर ये ट्रेंड जो हमने हासिल किए वो चलती रहे तो आगे 50 साल बाद 100 साल बाद और 1000 साल बाद क्या शक्ल निकल के आएगी। तो उन्होंने और उनके एक स्टूडेंट प्रोफेसर ने, प्रोफेसर अजय कुमार ने, एक मेरे लिए मैथमेटिकल मॉडल बनाया और उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी भी मुसलमान हिंदुओं से आगे निकल जाए। और इसके लिए अगली स्लाइड देखेंगे, इससे आपको विजुअल पिक्चर नजर आ जाएगी। ये इस रफ्तार से आप पिछले सत्तर साल में बीच में कौन बोल रहा है, पिछले 70 साल में आप नीचे वाले फिगर आप देखेंगे, ये जो लाइन चल रही है ये मुसलमानों की ग्रोथ है और ऊपर वाली ग्रोथ है हिंदुओं की ग्रोथ है, यानी 70 साल में जो गैप था जो मैं बता रहा था जो सिर्फ 30 करोड़ था वो 80 करोड़ हो गया,
तो जिस रफ्तार से ये हिंदुओं की पॉपुलेशन हिंदू मुस्लिम के मुकाबले में बढ़ रही है, तो वेयर इज द क्वेश्चन कि ये लोग कैप्चर कर लेंगे। मैंने फिर इनसे रिक्वेस्ट किया भी रिसेंटली कि साहब ये तो अब तक का 70 साल का हो गया, ये पिछले 70 साल की प्रोग्रेस है, अगले 100 साल का भी बता दीजिए। तो अगला स्लाइड दिखाइए, अगले 100 साल में योगा के नीचे वाली लाइन जो है वो मुसलमान की ग्रोथ है और ऊपर वाली लाइन हिंदुओं की ग्रोथ है। इसी तरह उन्होंने कहा 1000 साल 2000 साल तक इसको बढ़ाते चले जाइए, ये जो नक्शा है आपको यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये कहना कि जी बस मुसलमान कब्जा करने वाले हैं और कैप्चर कर लेंगे, इससे बड़ा कोई फूल प्रूफ कोई आंसर नहीं हो सकता था जो मुझे प्रोफेसर दिनेश सिंह ने ये मुहैया करा दिया। नेक्स्ट प्लीज। चौथा मिथ कि वही कहते हैं कि मुसलमान चार चार बीवियां करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को पॉपुलेशन को बढ़ा सके। आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े नेताओं से, अपने जब मोदी जी 2002 में वो रायट्स हुए थे और उस माहौल में, उस वक्त हमने सुना कि हम 5 हमारे 25, और आज भी हम सुनते हैं हम 4 हमारे 40, यानी हमारे 4 बीवियां और हमारे 25 बच्चे या 40 बच्चे। मैंने तो आज तक 4 बीवियों क्या 2 बीवियों वाला नहीं देखा। मोदी जी को हर मुसलमान की 4 बीवियां 25 बच्चे दिखाई दे जाते हैं और हमें तो हमने तो कोई नहीं देखे। और बड़े खुशी होगी अगर हमको हमारे नेतागण ये दिखा दें, ऐसा एक 2-4 मुस्लिम ही दिखा दें, पूरे मुसलमान को तो वो क्या बदनाम करना कि जिनके 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां और 25 बच्चे। नाउ फैक्ट एक ये भी देखा, स्टडी किया मैंने कि पॉलीगेमी का स्टेटस हिंदुस्तान में है क्या। ये एक ही स्टडी आज तक हुई है, वो भी भारत सरकार ने कराई थी, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री ने 1975 में, और उसमें पाया कि सभी कम्युनिटीज में पॉलीगेमी थोड़ी बहुत होती है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज पाई गई कि मुसलमानों में सबसे कम पॉलीगेमी, सबसे कम। और लेकिन उनको बदनाम किया जाता है कि हर मुसलमान की 4-4 बीवियां, उनको हमें तो नहीं दिखती, तो उनको दिख जाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखें जरा प्लीज। ये उसी के ग्राफिक डिस्क्रिप्शन के 1975 की स्टडी ने ये पाया कि सबसे ज्यादा पॉलीगेमी ट्राइबल कम्युनिटीज में 15% के ऊपर, उसके बाद बुद्धिस्ट 9.7, जैन 6.7, हिंदूज 5.8 और मुस्लिम 5.7। सबसे कम पॉलीगेमी मुसलमानों में पाई गई। मुझे ये ख्याल हुआ और जो जैसे कि मुझसे 2-4 लोगों ने क्वेश्चन भी कर दिया कि साहब आप इतनी पुरानी स्टडी कोट कर रहे हैं, भाई मैं क्या करूं अगर स्टडी ही एक हुई है, भारत सरकार ने इसके बाद ये स्टडी क्यों नहीं कराई, एक ही कराई थी वो, ये उसके रिजल्ट आपके सामने है। मैंने फिर भी इसको कोरोबोरेट किया कि ये कोई फ्रीक वन ऑफ स्टडी तो नहीं है कि जिसमें ये निकला हो और नॉर्म कुछ और हो। तो मैंने 1931, 1941 के सेंसस डेटा को देखा और एग्जैक्टली द सेम रेशियो, एग्जैक्टली द सेम ट्रेंड पाई गई उन तीनों दशकों के सेंसस में। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये हुआ कि पहले के मुकाबले में थोड़ी सी सबकी कम होती गई, लेकिन रेशियो आपस में यही रही, मुसलमानों में सबसे कम पॉलीगेमी। अब यहाँ पे मुझे मुसलमानों के लिए एक मैसेज है कि भाई जगह अगर हम लोग पॉलीगेमी करते ही नहीं तो पॉलीगेमी के लिए लड़ने मरने को क्यों तैयार हो जाते हैं। अगर सरकार ये कहे कि जब पॉलीगेमी पे बैन लगा दो, बल्कि मैं कहता हूँ मुसलमानों को ही चाहिए कि डिमांड करें बैन लगा दो, तो जो लोग एक्चुअली पॉलीगेमी कर रहे हैं वो चिल्लाएंगे मुसलमान तो सबसे कम पॉलीगेमी कर रहे हैं, बिल्कुल नॉमिनल है। अगला देखिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सुनिए कि हिंदुस्तान में पॉलीगेमी स्टेटिस्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जेंडर रेशियो ऑफ वुमेन विजावी मेन इज लेस एडवर्स, यानी 1000 मर्दों के ऊपर 2011 के सेंसस में 940 औरतें थी, और पिछले 125 साल से
यही ट्रेंड रही है कि वह हमेशा मुसलमान और औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में बहुत कम रही। यानी अगर इसी सेंसस पे जाएं और इसकी जो लेटेस्ट फिगर थी 2020 की, और ये 922 औरतें, 1000 मर्दों के मुकाबले में 922 औरतें, यानी 78 मेन को तो एक औरत भी नहीं मिली शादी करने के लिए, वो तो बैचलर रह गए। इसकी अपनी सीरियस इम्प्लीकेशन है कि जब ये इतने बैचलर घूम रहे होंगे तो ये अपनी सेक्सुअल जरूरत कैसे पूरी करेंगे। तो इसलिए मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन, एब्डक्शन ऑफ वुमेन, रेप बढ़ने का चांस होता है। इसलिए इस रेशो को तो बराबर का होना, 1000 मर्दों पे 1000 औरतें, नेचर ने की थी। लेकिन हमने सैड स्टोरी के हम डिस्क्रिमिनेशन करके, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कर करके, फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड हम करते हैं, फीटिसाइड करते हैं, इस वजह से औरतों की तादाद घटते जा रही है। नाउ इन एनी केस, जब 922 औरतें ही हैं 1000 मर्दों पे, तो मैं दूसरी बीवी कहां से लाऊंगा, तीसरी चौथी कहां से लाऊंगा, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। बल्कि स्टेटिस्टिकली सुनने में जोक लगता है, लेकिन जोक नहीं है। सभी साहबान जो इस बाहर सुन रहे हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, सब किसी की पूरी एक वाइफ नहीं है, 0.9 वाइफ है स्टेटिस्टिकली। जब ऐसी सिचुएशन में वो दूसरी तीसरी चौथी, हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 40 कहां से हो जाएंगे, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। नाउ इसमें एक और चीज, जो पॉलीगमी जो मुसलमानों में भी एक मिथ है जिसको दूर करना जरूरी है, ये हमने बहुत उलमा से सुना कि इस्लाम पॉलीगमी को इनकरेज नहीं करता, सिर्फ परमिट करता है। बल्कि जिस जमाने में पॉलीगमी आई थी, कुरान शरीफ की सिर्फ एक आयत है सूरह निसा की, जिसमें ये कहा गया कि तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर सकते हो। तो ये सुन के मैं दौड़ के दूसरी तीसरी करने लग जाऊं कि अल्लाह ने मुझे परमिट कर दिया। आगे की आयत कंप्लीट ये है कि लेकिन ये जब भी करना जब तुम उनके साथ पूरी इक्वालिटी कर सको। और आयत ही कहती है कि इक्वालिटी करना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए यू आर एडवाइज टू मैरी ओनली वन। तो ये जो परमिशन थी, ये बड़ी कंडीशनल परमिशन थी, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। तो ये हमने कि ये परमिशन है, इंजंक्शन नहीं है, और इक्वालिटी इज द कंडीशन, ये हमने बीसियों से सुना। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि मैंने किसी आलिम के मुंह से, किसी उलमा के से दूसरी कंडीशन जो मैं समझता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सुनी ही नहीं। वो मैंने खुद अपनी स्टडी के दौरान डिस्कवर की कि वो आयत का जो पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा क्या था कि ये आयत जो थी ये ऑर्फन्स एंड विडोज की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला। वो ये कह रहे हैं कि तुम यतीमों के साथ और विधवाओं के साथ, विडोज के साथ, बेवाओं के साथ इंसाफ करना, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ना कर लेना, उनकी अच्छी चीज को अपनी बुरी चीज से रिप्लेस ना कर लेना, बल्कि सबसे अच्छा तो होगा कि तुम उन ऑर्फन्स में से, उन ऑर्फन्स में से 2 या 3 या 4 से शादी कर लेना, अगर तुम इक्वालिटी कर सको। इस इक्वालिटी का क्या मतलब हुआ कि ये नहीं कि आपकी जो पहली बीवी है वो तो महारानी, और जो दूसरी है उनको आपने किचन में बर्तन धोने के लिए भेज दिया, तो ये नहीं चलेगा। तो ये एक ही कुरान शरीफ की आयत और उसका कॉन्टेक्स्ट है ऑर्फन्स एंड विडोज, और उसमें दिखाया जा रहा है। तो पहली कंडीशन तो यही कि तुम उन विडोज में से दूसरी शादी कर सकते हो। तो लेकिन अब मैं दूसरी करने निकलूंगा तो मैं हिंदुस्तान टाइम में देखूंगा कि जो वर्जिन की तलाश, तो जबकि मकसद तो ये था कि विडोज को, और पर्टिकुलरली बच्चों वाले विडोज को इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ये मुस्लिम ने जो एक मिथ है कि जो पॉलीगेमी सिर्फ इक्वालिटी के कंडीशन से फुलफिल हो जाती है, गलत है। पहली कंडीशन है कि उन विडोज में से तुम 2 या 3 या 4 कर सकते हो। तो ये क्यों नहीं उलमा को सूझी, मुझे नहीं समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ मिथ नंबर 5 कि इस्लाम इज अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग। नाउ ये मिथ भी हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, और सभी में ही पाया जाता है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है। ये भी मिथ है, क्योंकि जैसे कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, नो वेयर इन द कुरान
family planning has been prohibited. पूरे कुरान शरीफ में कहीं फैमिली प्लानिंग की प्रोहिबिशन नहीं. देर आर ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस वर्सेस फॉर एंड अगेन. अब जैसे ये कि खुदा अगर पैदा करेगा तो रोजी रोटी देगा, इसका मतलब ये नहीं कि बस आप पैदा करते चले जाइए कि खुदा ने वादा किया हुआ. इंटरप्रिटेशन यही है कि भाई अल्लाह ने पैदा किया तो वो तो उसको जिंदा रखने का उसने गारंटी ली है. ये दिस इज, मैंने इसमें अपनी किताब में जो इंटरप्रिटेशन फैमिली प्लानिंग के खिलाफ जाती हैं वो सारी लिखी हैं, जो फेवर में जाती हैं वो जाती हैं, वो सब लिखे हैं. लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो मैंने इंटरप्रिटेशन दी है, जिससे मुझे लगता है कि क्लिंचिंग वर्थ कुरान की बहुत सारी आयतों में एक आयत है जो मैंने यहाँ नीचे लिखी है सूरह नूर में, वो ये किस तरह कहती है कि लेट दोज हु डू नॉट हैव द मींस फॉर मैरिज कीप देमसेल्फ चेस्ट अंटिल अल्लाह गिव देम मींस आउट ऑफ ग्रेस. कि जिन लोगों के पास ये साधन नहीं है, मींस नहीं है मैरिज करने के लिए, वो अपने को चेस्ट रखें, यानी दाएं बाएं और पराई औरतों पे निगाह न मारें, अपनी निगाह न डालें और अपने को कंट्रोल में रखें जब तक अंटिल अल्लाह गिव देम मींस आउट ऑफ ग्रेस. कि आप जब तक शादी आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शादी आपको आपके किरदार को ठीक रखेगी, लेकिन जब तक आपके पास मींस ना हो तो शादी को पोस्टपोन करना. तो इसको पूछने के लिए जो चीज कुरान की आयत जो नहीं समझ में आती थी, लोग उसको समझने के लिए प्रॉफिट के पास जाते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके उनसे पूछते थे कि समझना चाहते थे. एक गरीब आदमी उनके पास पहुंच गया. अगली स्लाइड प्लीज. हाँ, अब वो गरीब आदमी उनके पास पहुंच गया और उनने कहा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास मींस नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन मेरी सेक्सुअल जरूरतें तो हैं, मैं क्या करूं, वो कैसे पूरी करूं. तो हुजूर ने उस आयत को रिपीट किया कि ओ यंग मैन, दोज ऑफ यू हु कैन सपोर्ट ए वाइफ, जो सपोर्ट कर सके वाइफ और हाउस होल्ड उसको शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैरिज तुमको पराई औरतों की तरफ लस्ट से और लालच से देखने से बचा के रखती है. तो लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको रोजा रखना चाहिए, क्योंकि रोजा इज अ मींस ऑफ टेम्परिंग सेक्सुअल डिजायर. यानी उनको नौजवानों को कहा कि तुम नौजवानों जब इस काबिल हो जाओ तो शादी करना, जब तक इस काबिल ना हो तो रोजा रख लो, रोजा रखा करो, क्योंकि उससे तुम्हारे सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल हो जाएंगे. ना कुरान शरीफ की आयत आपने सुन ली, हदीस उस पर सुन ली, एक आखिरी हदीस मैं समझता ये तीन मिलके क्लिंचिंग रिकमेंडेशन फॉर फैमिली प्लानिंग है. नाउ इस हदीस में क्या है कि एक शख्स हुजूर के पास गया कि मेरे कई बच्चे हैं और मैं और बच्चे पैदा नहीं करना चाहता. और उस जमाने में फैमिली प्लानिंग का एक ही तरीका होता था, अजल उसको बोलते थे, यानी क्वाइटस इंटरप्टस, यानी विड्रॉल मेथड. तो उसने कहा कि जी मैं और बच्चे नहीं चाहता और मैं विड्रॉल मेथड यूज करना चाहता हूँ, अजल करना चाहता हूँ, लेकिन एक मेरा पड़ोसी यहूदी है वो कहता है ये तो माइनर इन्फेंटिसाइड है, ये तो बच्चों का कत्ल है. तो उस पे हुजूर ने फरमाया कि जू ने गलत कहा. एक्चुअल वर्ड है जू लाइड. यानी कि अगर ये समझना कि वो विड्रॉल मेथड इज इन्फेंटिसाइड इज रॉन्ग, तो मेथड तक भी रिकमेंड हो गया, मेथड भी स्पेसिफाई हो गया कि बिकॉज दैट वाज द ओनली मेथड. आज वी हैव सो मेनी पर्टिकुलरली कॉन्डोम, लेकिन उस वक्त यही मेथड जाना जाता था, इस मेथड के हुजूर अकरम ने इजाजत दे दी. तो हैरानी की बात ये कि 1400 साल पहले जब पॉपुलेशन का प्रेशर कहीं दुनिया में नहीं था, वो ऐसी सूरत में इस्लाम ने, कुरान ने और हदीस ने फैमिली प्लानिंग की तरगीब दी. ये एक बहुत ही अजीब व गरीब फिनोमिनन है
जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. इन अदर वर्ड, इस्लाम इज द पायनियर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग. इस्लाम इज द ओनर ऑफ फैमिली प्लानिंग, न के मुखालिफ. ये कहना कि इस्लाम मुखालिफ है बिल्कुल गलत है, इस्लाम तो ओनर है कॉन्सेप्ट का. नेक्स्ट प्लीज. बाय द वे, जैसे मैंने जैसे आयत बताई थी ना कि कुरान में कहीं भी प्रोहिबिशन नहीं है फैमिली प्लानिंग की. कुरान ने शराब की पे को हराम डिक्लेयर किया, जिना को हराम डिक्लेयर किया, सूद को हराम डिक्लेयर किया, और एक आयत है कि जो चीजें हमने तुम पे हराम करनी थी हमने तुमको तफसील दे समझा दी हैं. ऐसा तो ये नहीं कह सकते हम कि अल्लाह ताला बताना भूल गए, उनका मेमोरी लैप्स हो गया, वो फैमिली प्लानिंग की बात करना भूल गए, वरना वो भाई जो जो अल्लाह ने मना करना था वो इसमें मना कर दिया और कह दिया कि जो हमने तुम पे मना करना था हमने तुमको अच्छी तरह समझा दिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नहीं, एक मिस हो गया, एक पीछे जाइए. हाँ, ये अगला. ये इस्लाम, मैंने जैसे कहा कि एक्चुअली द पायनियर ऑफ फैमिली प्लानिंग. इसके ऊपर एक इजिप्शियन स्कॉलर अल अजहर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल रहीम उमरान ने बड़ा अच्छा ये कमेंट किया जो मैंने कोट किया है कि इट्स अ वंडर टू द थिंकर्स ऑफ टुडे दैट इस्लाम शुड गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड स्पेसिंग एंड फैमिली प्लानिंग सो अर्ली इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड इन द एब्सेंस ऑफ कंपेलिंग पॉपुलेशन प्रेशर. सो इतना एडवांस्ड ऑफ टाइम, इतना मॉडर्न रिलीजन, और उसको समझा जाता है कि बिल्कुल बैकवर्ड और पसमानदगी ला रहा है. नेक्स्ट प्लीज. नाउ इसमें मैंने एनालाइज ये किया कि एक्चुअली ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू है ही नहीं, क्योंकि जो फैमिली प्लानिंग बिहेवियर है वो कि रिलीजन की वजह से. मेरे भी बच्चे हुए और हम सब सुनने वाले उन सबके बच्चे हुए. Do you think you any one of us had Islam in mind when we were planning and trying to have children? There are three factors which determine family planning behavior. Three decisive factors. सबसे पहले है literacy, दूसरा है income, तीसरा है delivery of services. Now so literacy, particularly लड़कियों की literacy, जैसे जैसे उनकी तालीम बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं. Irrespective of caste, community, irrespective of all communities together, तालीम बढ़ती जाती है, बच्चे घटते जाते हैं. दूसरी चीज है इनकम, जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे घटते. तीसरे सर्विस डिलीवरी, डॉक्टर, नर्सेज, कंट्रासेप्टिव की अवेलेबिलिटी, वो बढ़ती है तो बच्चे घटते चले जाते हैं. तो जिन फैक्टर्स से फैमिली प्लानिंग प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है, अगर हम उनको नहीं एड्रेस करेंगे ये तो ऐसा होगा कि पेट में दर्द है और डॉक्टर के पास जाके कहें कि जी मेरे सर में दर्द है. अरे जब वो तशखीस ही गलत होगा तो दवा भी तो गलत होगी. तो यहाँ ये तशखीस अगर गलत होगी, ये तशखीस तो ये होनी चाहिए कि पढ़ा, तालीम दो, इनकम बढ़ाओ, डॉक्टर वगैरह की सर्विसेज पहुँचाओ. कभी आपने सुना मुसलमानों में तालीम बढ़ाने के लिए राइट विंग से ये कहते हुए कि तरफ से कि इनको को तालीम दो? बल्कि जो थोड़ी बहुत तालीम मदरसे में होती है मदरसे को अटैक करते रहते हैं. मैंने कितनी बार समझाया, मुख्य साहब इसको सपोर्ट करेंगे, कि मदरसा तो अरबी वर्ड है पाठशाला के लिए. मदरसे के बजाय इसका नाम कल से पाठशाला रख दीजिए, उस पाठशाला में कुरान का पाठ पढ़ाया जाएगा. तो मदरसो जो ओनली सोर्स ऑफ एजुकेशन, जहां पे स्कूल नहीं है वहां पे भी मदरसा होता है कि जी इसको बंद करो. दूसरे, कभी आपने इनको इनकम के, मुसलमानों की इनकम बढ़ा दी जाए, बहुत गरीब हैं, इनकी इनकम बढ़ा दी जाए ताकि फैमिली प्लानिंग अच्छी करें, कभी सुना है? बल्कि क्या सुनते हैं हम कि इनकी इनकम घटा दी जाए, इनके साथ इकोनॉमिक बॉयकॉट करो, इनसे सब्जी भी ना खरीदना. अरे भाई, अगर आप सब्जी भी नहीं खरीदोगे बेचारा और गरीब होगा, फिर ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो फिर आप शिकायत ना करना. तो मुसलमान जो एरियाज हैं, पॉकेट्स हैं, उनको मिनी पाकिस्तान कह के उनको बिल्कुल वहां पे कोई जाना नहीं चाहता, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई वहां पे नहीं, क्योंकि वहां सर्विसेज ही नहीं पहुंचती. अब जब सर्विसेज नहीं पहुंचेंगे तो मुसलमान फैमिली प्लानिंग कैसे कराएगा?
वो सब के बावजूद अगर जितनी अच्छी फैमिली प्लानिंग मुसलमानों ने कराई और करा रहे हैं तेजी से, ये एक मिरेकल है तो जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नाउ ये हिंद, जैसे मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, ये तो लिटरेसी और इनकम पर बेस्ड है। सबसे कम लिटरेसी मुसलमानों में, सबसे ज्यादा गुर्बत मुसलमानों में, सबसे कम सर्विस वहां पहुंचती है, इस वजह से उनकी फैमिली प्लानिंग सबसे कम है। दूसरी चीज ये कि यहाँ कोई मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम की कोई चीज नहीं है। इंटर स्टेट वेरिएशन इतनी ज्यादा है। अब जैसे केरला में का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट 1.56 है, और बिहार में 3.4 है, और बाकी सारे स्टेट में इसके इन सब के इन बिटवीन है। तो किस चीज किसको हम केरला का रेट, इंडिया का रेट मानेंगे? हर जगह का अलग अलग रेट है। 25, नाउ दिस नेक्स्ट बुलेट इज इंपॉर्टेंट, 25 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे मुसलमानों का TFR बिहार के हिंदुओं से कम है। अगर इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ होता तो 25 स्टेट में भी मुसलमान फैमिली प्लानिंग न करता। बिहार से में क्यों? क्योंकि बिहार में हिंदू भी सबसे कम है, मुसलमानों में भी फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, लेकिन उसको एक बेंचमार्क बना के कि 25 स्टेट में मुसलमानों ने TFR बिहार के हिंदुओं से ज्यादा कर लिया, इसका मतलब है वो नहीं समझते कि मजहब इसमें रुकावट बनता है। तो ये कहना कि हिंदू फर्टिलिटी रेट और मुस्लिम फर्टिलिटी रेट, ये बिल्कुल गलत है। अब मिसाल के तौर पे मुस्लिम TFR की भी बड़ी रेंज है। तमिलनाडु में 1.7 बच्चे होते हैं, यानी रिप्लेसमेंट रेट से बहुत कम, और बिहार में 4.11 होते हैं। इसी तरह हिंदूज के केरला में 1.42 होते हैं, तो बिहार में 3.29 होते हैं। तो इतनी रेंज है कि किसी को भी हम नेशनल एवरेज नहीं मान सकते, नेशनल रेट नहीं मान सकते, या हिंदू मुस्लिम रेट नहीं। तो बेसिकली रीजनल सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, न कि रिलीजियस फैक्टर हैं, जो फैमिली प्लानिंग को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब आप ये देखिए, जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे तालीम बढ़ती है बच्चे घटते हैं। अब आप ये जो डायग्राम है इसमें जीरो एजुकेशन वालों के 3 बच्चे हैं, तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई बच्चे घटते गए, बिल्कुल ऑलमोस्ट यू नो टोटली मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में विदाउट एक्सेप्शन। जैसे जैसे तालीम बढ़ी, 5 साल वाले के और कम हो गए, 8-9 साल वाले, 10 साल वाले, 12 क्लास जिसने पढ़ ली उनके सिर्फ 3 से घट के 1.7 बच्चे रह गए। तो हमें लिटरेसी पे जोर देना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये आप ये देखेंगे कि लिटरेसी इनडायरेक्टली भी फैमिली प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करती है, कि एज ऑफ मैरिज को डिले कर देती है। जैसे जैसे तालीम लड़कियों की होती जाती है, उनके एज ऑफ मैरिज लेट होती जाती है। अब आप देखेंगे पहला जो बार है जीरो एजुकेशन इलिटरेट के 17 साल में शादी हो जाती है, और जो 12 साल से ज्यादा तालीम कर, जो 12वीं क्लास से ज्यादा पढ़ चुके उनकी 22 साल में 22.7 22 साल, कहाँ 17 साल कहाँ 22 साल। इस 5 साल में तो कितने बच्चे पैदा हो गए होते, लेकिन क्योंकि डिले हो गई मैरिज तो बच्चे भी कम हो गए, उनकी फर्टिलिटी पीरियड जो है वुमेन का वो रिड्यूस हो गया। तो हमें एज ऑफ मैरिज डिले करनी चाहिए। जितनी भी चाइल्ड मैरिज बची है, 24% मैरिजेस अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हैं इंडिया में जो कि इलीगल हैं। तो इलीगल मैरिजेस मिलियंस करोड़ों की तादाद में हो रही है, उसको रोकने के लिए तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो उसे रोकना चाहिए। क्योंकि द मोर वी डिले द मैरिज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, द गर्ल्स पर्टिकुलरली दे बेयर द चिल्ड्रन, तो वो ऐसे उसी तरह बच्चे घटेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये अगेन एज द मैरिज गेट्स डिलेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोज डाउन। ये ऊपर वाली जो है वो रूरल है, नीचे वाली अर्बन है। आप देखिए कहाँ आप सिर्फ रूरल है, 18 से नीचे अगर शादी हो गई तो 5 बच्चे, और 24 के ऊपर हुई तो 4 बच्चे। तो किस तरह वो घट रहा है। अर्बन में तो और भी ज्यादा फर्क है कि अगर 18 से नीचे शायद हुई तो 4.6 नियरली 5 बच्चे, और 24 साल के बाद अगर शादी हुई तो 2.5 यानी 2.5 बच्चे। तो
तो किस रफ्तार से ये एजुकेशन लिटरेसी के साथ बच्चों की पैदाइश कम होती चली जाती है। नेक्स्ट प्लीज। नाउ दूसरी चीज मैंने बताया द फैक्टर पॉवर्टी और इनकम। जो सबसे गरीब है उनके अगर तीन बच्चे होते हैं तो पहली वाली बार है, और जो आखिरी वाली बार है जो रिचेस्ट है उनके 1.6 रह जाते हैं, एग्जैक्टली आधे। तो इनकम बढ़ती जा रही है, बच्चे घटते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस लॉजिकल कंक्लूजन इनकम बढ़ाने की बात करो भाई। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह नॉन वर्कर्स एंड वर्कर्स और अर्बन रूरल, पहले जो दो हैं ये रूरल के हैं। जो नॉन वर्कर्स हैं उनके 5 बच्चों के करीब हैं और वर्कर्स के 3.8 4 बच्चे हैं। इसी तरह ये सेम प्रोपोर्शन अर्बन एरियाज में है, वर्क उनको हमें देना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नाउ एज द सर्विस डिलीवरी इंप्रूव TFR गोज डाउन। सर्विसेज जो मैंने बताए, डॉक्टर, नर्सेज, अस्पताल में डिलीवरी, कंट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ वेयर डू मुस्लिम्स स्टैंड इन ऑल दिस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स? एट द बॉटम। यानी अगर हमें फैमिली प्लानिंग उनमें करानी है अच्छी, तो हमें इन तीनों फैक्टर्स को एड्रेस करना ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप ये देखिए, इंटरेस्टिंग, लिटरेसी में मुस्लिम दर एट द बॉटम। आप देखेंगे जो ग्रीन बार है एंड में, ये पहले वाला चार्ट जो है वो मेन का है, दूसरा वाला चार्ट वेमेन का है। साथ साथ मैं ये भी बता दूं, प्लीज नोटिस कि मुसलमान अगर बॉटम पे हैं तो सेकंड बॉटम मोस्ट कौन है? हिंदू। ये भी ना भूलिए, ऐसा नहीं है कि हिंदूज में बहुत तालीम है और बहुत पढ़ाई लिखाई है और मुसलमानों में सबसे कम है। हिंदूज एंड मुस्लिम शाना बशाना, शोल्डर टू शोल्डर। ये दिस इज द पॉइंट मैंने किताब में साबित करने की कोशिश, ये कि भाई इट इज नॉट हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू, इट इज हिंदूज एंड मुस्लिम इशू, दे आर टुगेदर, दे आर इन द सेम बोट। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अगेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अमंग द मुस्लिम इज द लीस्ट। इसमें हिंदूज आर नॉट शोल्डर टू शोल्डर, बिकॉज जैन और सिख जो है वो जैन में तो वैसे ही प्रोस्पेरिटी वैसे ही ज्यादा है, इसलिए वर्क नहीं करते क्योंकि प्रोस्परस है। तो लेकिन इसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मुसलमानों की सबसे कम। नेक्स्ट स्लाइड। अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी नेटल केयर, यानी बच्चे की पैदाइश से पहले की जो केयर होती है डॉक्टर और नर्सेस को दिखाना रेगुलरली, उसमें मुसलमानों की सबसे कम है, 77%। इमेजिन 23% ऑफ वुमेन नेवर गेट टू सी द डॉक्टर एंड द नर्स, कितने मिलियंस हो गए। लेकिन साथ साथ ये देखिए, हिंदू भी शोल्डर टू शोल्डर ही है, वो भी बेचारे कोई बहुत प्रॉस्परस नहीं है, उनको भी ये बैकवर्डनेस हासिल है। जबकि आप देखेंगे इसमें सबसे पहले जो बार है ना वो सिखों की है, 93.47, यानी 94% सिखों को ये फैसिलिटी अवेल कर लेते हैं। बुद्धिस्ट कर रहे हैं, जैन कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान और हिंदू सबसे कम है, इस वजह से पिछड़े में। अगला देखिए, ये अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, लोएस्ट फॉर मुस्लिम हेल्थ सर्विसेज, डिस्पेंसरी ये वो सब ना, मुस्लिम में लो है, हिंदुओं की सेकेंड लो है, अगेन सिखों की बहुत अच्छी 98%। यही वजह है कि उनके फैमिली प्लानिंग का एक्सेप्टेंस इज ऑलमोस्ट 80%। तो उनको पेट्रियोटिक तो बता ही दिया गया, सर्टिफिकेट मिल गया कि पेट्रियोटिक है, क्योंकि सबसे अच्छी फैमिली प्लानिंग करते हैं। सबसे अच्छी क्यों करते हैं? क्योंकि वो इन सर्विसेज तक को अवेल करते हैं, उन तक पहुंच रही है। नेक्स्ट प्लीज। अवेलेबिलिटी ऑफ एडवाइस एंड फैमिली प्लानिंग लोएस्ट फॉर मुस्लिम, क्योंकि फैमिली प्लानिंग एडवाइस तो जाके फैमिली वर्कर, जो फैमिली प्लानिंग वर्कर देता है जबी तो उस पर कोई अमल करता है, तो मुसलमान सबसे कम उनको एडवाइस मिलती है, सिर्फ 65% को एडवाइस मिलती है। हिंदू भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, 69% है, जबकि जैन 81% है, बुद्धिस्ट सिख वगैरह वो मच बेटर। नेक्स्ट प्लीज।
Now, फिर मैंने एक चैप्टर इसमें लिखा कि भाई फैमिली प्लानिंग मुस्लिम कंट्रीज में क्या क्या हालत है, क्योंकि अगर फैमिली प्लानिंग इस्लाम के खिलाफ है तो इस्लामिक कंट्रीज में तो फैमिली प्लानिंग की बात ही कोई नहीं करता होगा। लेकिन बड़े हैरतनाक रिजल्ट इसमें निकल गया। मैंने 10 कंट्रीज का देखा कि इस्लामिक कंट्रीज में लाइक ईरान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, दे आर डूइंग सो वेल। Iran, the most conservative country in the world, has the best family planning in the world. 80% वहाँ की आबादी family planning करती है। वह यूरोप और अमेरिका से ज्यादा करती है। तो अगर इस्लाम रुकावट होता तो ईरान में do you think family planning कामयाब होती? बिल्कुल नहीं। वहाँ के तो उलमा कोई मुखालफत नहीं करते। इसी तरह इजिप्ट में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में तो हमें 20-40 साल से सुनते आ रहे हैं कि वहां के इमामों ने तो इस पे फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया। जुमे के नमाज के खुतबे में मस्जिद से फैमिली प्लानिंग की अपील की जाती है। इसी तरह बांग्लादेश ने पिछले 10-20 साल में इतना नुमाया काम किया कि वो इंडिया से ज्यादा अच्छी फिगर हो गई बांग्लादेश की। और वहां पे भी इमाम और मस्जिदें फैमिली प्लानिंग प्रमोशन का मरकज बन के रह गई। तो इसके नीचे अभी आपको मैं टेबल दिखाऊंगा कंट्रीज की, जरा देखिए नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए ईरान 1.6 TFR, आपको याद दिला दूं 2.1 से कम अगर TFR होता है तो आबादी घटनी शुरू हो जाती है। तो ईरान की तो आबादी अब घट रही है क्योंकि 2.1 माँ बाप दो हैं और बच्चे उनके सिर्फ 1.6 हैं, तो रिप्लेस भी नहीं हो पाएंगे। इसे मलेशिया, टर्की, बांग्लादेश, ये सारे, और ऑफ कोर्स नाइजीरिया इज एट द बॉटम, अफगानिस्तान इज नियर बॉटम। पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंट्रास्ट करें, दोनों एक ही मुल्क थे। पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग का अडॉप्शन बड़ा स्लो है, तो उनका जो बर्थ रेट है हाई है, लेकिन ईरान, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उससे हमें सबक मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। Now, जिससे हमने शुरू किया था कि हिंदू राइट विंग हिंदुओं को प्रवोक करता है कि भाई देखो तुम्हें ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए वरना मुसलमान ओवरटेक करेंगे, तो इसी भी ये पॉलिटिकल इस पे पूरा एक चैप्टर है। इसी के जवाब मैंने जैसे बताया था कि मैंने मैथमेटिकल मॉडल बना दिया जो इस एलिगेशन का मुंह तोड़ जवाब है। जिसने रिपीट किया अभी थोड़ी देर पहले आज लंच में मुझे प्रोफेसर दिनेश जी मिले थे और वो बताने लगे कि प्रोफेसर अजय कुमार जो अदरवाइज सेक्युलर है, कहने लगे कि साहब मैं फिगर देख के हैरान रह गया कि जी हिंदुओं की पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा बढ़ी है। तो अब एक मैथमेटिशियन खुद बता रहे हैं और उन्होंने फिर अपने मॉडल का जरिए तो दिखाई दिया जो हम जिसपे हम अभी तस्करा कर चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज। Now, as I had said, Muslims and Hindus are actually in the same boat. TFR of Muslims is the highest at 2.6. Hindus are the second highest at 2.13. Similarly, in every factor, as we mentioned, literacy, age of marriage, in sab mein Hindu-Muslim bilkul shana bashana hai. Is bullet mein ek naya concept introduced, unmet need. For family planning, this is important to understand. Unmet need का मतलब क्या है कि as it is family planning के लिए किसी को वो करना, attract करना खुद बड़ी अपनी जगह मुश्किल काम है, लेकिन आप मुझको family planning के बारे पूरी तरगीब दे दें और मैं family planning के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन मुझको contraceptive ना आप दे पाए तो वो मेरी unmet need हो गई कि वो need है जो meet नहीं हो पा रही। तो सबसे ज्यादा अनमेट नीड मुसलमानों में है। 16% मुसलमान जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, आज उनको साधन मिल जाए आज कर लेंगे, लेकिन वो साधन नहीं मिल रहा है। तो साधन पहुंचाना तो सरकार का काम था, नहीं किया, तो फेलियर अपना और हम थोप दें किसी फॉर्म पे तो बड़ी गलत बात है। तो ये अनमेट नीड को एड्रेस कीजिए, इमीडिएटली फिगर्स विल शूट अप। बट अच्छा, इसी तरह हिंदुओं की भी बड़ी अनमेट नीड काफी हाई है, उसको मीट कीजिए। उस यानी इन सरकारों को जो पर्टिकुलरली यूपी और असम और ये जो बोल रहे हैं इन्हें ये इनसे पूछा जाए कि भाई आप फैमिली प्लानिंग सर्विसेज गांव-गांव में घर घर कैसे पहुंचा रहे हो कि नहीं,
तो आपको उनका फेलियर पता लग जाएगा कि उनका हेल्थ सिस्टम कितना थर्ड क्लास है। तो जब सर्विसेज ही नहीं पहुंचेंगी तो कहां से होगी फैमिली प्लानिंग। नाउ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की जो इस वक्त लागू है, उसने ये टारगेट किया था कि 2010 तक TFR 2.1 यानी रिप्लेसमेंट रेट पे आ जाना चाहिए। अब 2021 हो गया, लेकिन अभी हम कुछ ही दिन पहले, दो एक हफ्ते पहले फिगर आई है कि हम 2.1 को हम क्रॉस कर चुके हैं, 2 पे आ गए हैं। तो यानी हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो ये कहती है कि फैमिली प्लानिंग में कोई सख्ती नहीं की जाएगी, कोई वन चाइल्ड नॉर्म टू चाइल्ड नॉर्म नहीं किया जाएगा, टोटली वॉलेंट्री होगा, चॉइसेस दी जाएंगी, तो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी तो एक्चुअली इज ए ग्रेट सक्सेस। थोड़ा 5-7 साल डिले जरूर हुई, लेकिन ग्रेट सक्सेस के विदाउट एनी डंडा हमने लोगों को परसुएड करके रिप्लेसमेंट रेट पे आ गए। और कुछ दिन बाद हम रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे जाएंगे, यानी पॉपुलेशन घटनी शुरू हो जाएगी। वो फॉरन नहीं घटनी शुरू होगी, वो 15-20 साल बाद होगी, क्योंकि जो लोग 2000 में और 2002 में 4 में पैदा हुए, अब वो बालिग होने लग गए, अब वो बच्चे पैदा करने की एज में आ गए, तो उन्होंने वो तो बच्चे पैदा करेंगे ही करेंगे। इसलिए 10-15 साल तक अभी पॉपुलेशन घटेगी नहीं, लेकिन स्टेबिलाइज अभी हो जाएगी, और 2040 तक उसके बाद तो आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। ये जो फिगर्स और मैथमेटिकल मॉडल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा है, ये हमको इंडिकेट करता है। 29 में से 25 स्टेट ने ऑलरेडी ये टारगेट अचीव कर लिया है। अब सिर्फ 4 नॉर्दर्न स्टेट बची हैं, यानी यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिनको किसी ने, एक्सपर्ट ने बीमारू स्टेट बोला था। बीमारू डजंट मीन कि दे आर बीमार, लेकिन बिहार एब्रीविएशन ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी बीमारू, लेकिन फॉर ऑल पर्पजेस दे आर बीमार, क्योंकि उनकी हेल्थ सर्विसेज बड़ी घटिया है, खराब है, पिछड़ी हुई है। तो इन, जब तक हम उन सर्विसेज को इम्प्रूव नहीं करेंगे, लिटरेसी को नहीं करेंगे, इनकम को एड्रेस नहीं करेंगे, तो वो स्टेट 4 बड़ी हैं, चूंकि पॉपुलेशन उनकी बहुत ज्यादा है, तो वो पूरे इंडिया को पीछे किए हुए हैं, उनको एड्रेस करना जरूरी है, बजाय इसके कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, उनको टारगेट किया जाए, पूरी स्टेट की सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नाउ वेयर इज द फेलियर? तो फेलियर अगर है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी मैंने इसमें देखा, अपनी रिसर्च में देखा कि सारे प्लान हमारे 12-13-14 5-year प्लान हुए, हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने ये तो कहा कि मुसलमानों को बतेर सबसे हाई है, लेकिन सॉल्यूशन किसी ने नहीं बताया, और इसलिए कोई सॉल्यूशन की कोशिश नहीं हुई। तो जो रियल फैक्टर्स थे, यानी लिटरेसी, पॉवर्टी और सर्विस डिले, उनको एड्रेस नहीं किया गया। नो एफर्ट्स वर मेड टू डिस्पेल द मिथ्स, जो मैं आपको इसके जरिए मिथ्स एक्सप्लोर कर रहा हूं, ये एफर्ट करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि खुद ही मालूम नहीं तो मिथ दूसरों का क्या मिथ वो एक्सप्लोर करेंगे, जबकि खुद ही वो उन मिथ्स का शिकार है। हेल्थ स्टाफ को किसी ने कोई ट्रेनिंग दी गई कि लोगों के, मुस्लिम के माइंड में अगर कोई फैमिली प्लानिंग के लिए रेजिस्टेंस है, उसका जवाब तो दो। अब मैं जैसे मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास कोई फैमिली प्लानिंग का वर्कर आए कि कुरैशी तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हैं, तुमको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, मैं उसके जवाब में अगर ये कहूँ कि भाई मेरा मजहब इसके खिलाफ है, तो वो तो मुंह लटका के चला जाएगा, क्योंकि मजहब का उसका मामला, उसको मजहब का कुछ पता ही नहीं उसको, तो उस पर क्या वो बहस करेगा। लेकिन हमें अपने स्टाफ को बताना चाहिए, समझाना पड़ेगा कि अगर कोई मुसलमान ये कहे कि जी मेरा मजहब खिलाफ है, तो वो उसको ये थमा दे एक बुकलेट कि नहीं, तुम गलत समझे हो, तुम्हारा मजहब खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारा मजहब ने तो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। तो ये जब तक हम समझाने के लायक अपने स्टाफ को नहीं करेंगे, तो स्टाफ क्या इफेक्टिव होगा। तो अभी जैसे मैंने लिखा कि नो फैक्ट बुक और रिसोर्स बुक was prepared for health staff. अब मेरी किताब में ये जो मैसेजेस मैंने लिखे हैं, ये रिसोर्स बुक बन सकते हैं। मैंने वॉलंटियर किया है कि मैं भारत सरकार के लिए, अगर वो मुझसे कहेगी, मैं एक रिसोर्स बुक अपने हेल्थ वर्कर के लिए बना दूंगा, जिसमें पूरे इस्लाम क्या कहता है, आयत हदीसें सब वाले डाल के, ताकि मुस्लिम ऑडियंसेस
उसको रिस्पॉन्ड करें। मैंने जब मैं किताब 25 साल पहले एक पेपर लिख रहा था तो मैंने फैमिली प्लानिंग मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी को, ये नवेद मसूद साहब आप खास तौर पर गौर करें, मैंने वहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी फैमिली वेलफेयर को चिट्ठी लिखी कि भाई ये बताओ कि आपने फैमिली प्लानिंग का प्रचार मुसलमानों में कितना किया है, क्या करने की कोशिश की है, हमें तो बताओ। तो उन्होंने एक जवाब दिया जो पॉलिटिकली तो बड़ा करेक्ट है लेकिन साइंटिफिकली बड़ा गलत है। उन्होंने कहा कि साहब हम हिंदू मुस्लिम में कोई पक्षपात नहीं करते। तो नाउ टेक्निकली एज आई एम कम्युनिकेशन मैन, आई एम पीएचडी इन कम्युनिकेशन, पीपल आर नो टारगेट ऑडियंस, हर पीपल की सेगमेंट्स होते हैं, वो होती है टारगेट ऑडियंस, यानी मेन वुमेन, ओल्ड यंग, रूरल अर्बन, रिच पुअर, ये होते हैं और इन सेगमेंट को। अब अगर मुसलमान एक सेगमेंट है जो कहता है मेरा मजहब खिलाफ है तो इस सेगमेंट को तो हम इसके सेगमेंट वाले मैसेज इसके जवाब देंगे ना, तो वो हमने कोई जवाब ही नहीं किया। तो सेगमेंटेशन ऑफ ऑडियंस, ये कहना कि जी हम हिंदू मुस्लिम, मुसलमान को आप जवाब कह रहे हैं कि मुसलमानों में सबसे हाई बर्थ रेट है, ये तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उस हाईएस्ट बर्थ रेट ग्रुप तक पहुंचने के लिए कोशिश क्या कर रहे हैं, वो कोशिश नहीं करनी कि नहीं वो हिंदू मुसलमान का सवाल खड़ा हो जाएगा, ये गलत। नाउ फाइनली इसमें देखिए कि पॉलिटिशियन ने भी लेट डाउन किया कि 1975-77 की इमरजेंसी में जब ये जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग कराई गई उसका बैकलैश इतना ज्यादा हुआ कि किसी पॉलिटिशियन की फैमिली प्लानिंग कराने की बात करने की हिम्मत नहीं होती। तो कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी नेशनल फैमिली हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसका मैं चेयरमैन था और उसमें हमने ये देखना था कि हमारे नेताओं का क्या एटीट्यूड है फैमिली प्लानिंग पे। तो हमने चार लोकसभाओं का 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं लोकसभा यानी 20 साल का डेटा एनालाइज किया कि पार्लियामेंट क्वेश्चन की क्या कैरेक्टर है, कितने लोग फैमिली प्लानिंग के पे क्वेश्चन कर रहे हैं। हम हैरान रह गए कि कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहा, सिर्फ 0.15% क्वेश्चन फैमिली प्लानिंग पे थे, क्वेश्चन करने तक की हिम्मत नहीं है। भाई जब आपने बात करनी ही छोड़ दी तो फैमिली प्लानिंग फिर कैसे होगी। इस हालात में जितनी भी हुई बहुत ही मिरेकल है। नेक्स्ट प्लीज। ये आखिरी स्लाइड है रिकमेंडेशन। सबसे पहले तो ये कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज ए ग्रेट आइडिया, जरूर मुसलमानों को चाहिए कि फैमिली प्लानिंग जरूर करें, बढ़ चढ़ के करें जैसा कि कर रहे हैं, और भी तेज कर सकते हैं करें। स्पेशल एफर्ट मस्ट बी मेड टू एजुकेट दोज हु आर रेजिस्टेंट टू फैमिली प्लानिंग। रेजिस्टेंट तो है ये, मैंने एक थोड़ी सी प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट किया था अलवर, लखनऊ और हैदराबाद में कि जरा मुसलमान जो फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहा है, हमने जाके उनसे पूछा कि भाई तुम फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे, तो 70% लोगों ने जवाब दिया कि हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा मजहब इसके खिलाफ। तो हमने पूछा कि तुमको किसने ये बताया, तो उन्होंने कहा जी हमारे मस्जिद के इमाम ने, हमारे लोकल मौजिन ने, हमारे लोकल उलमा ने ये बताया। तो हम उन लोगों के पास पहुंच गए कि जी आप ये कहते हैं कि इस्लाम फैमिली, बताओ आपने कहाँ पे पढ़ा कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है, कि जी हमने अपने सब सीनियर से सुना है। हमने कहा हमें दिखा तो दो कहाँ पे मुखालफत की है, तो किसी के पास कुछ दिखाने को नहीं था। तो हमारे लिए एक टास्क कट आउट है कि हम उन उलमा तक पहुंचने की कोशिश करें, और बड़ा आसान का मैंने रिकमेंड किया है, नीचे ही आ रहा है कि फेथ लीडर्स को हम इसमें इन्वॉल्व करें। हम अपने उलमा की टीम ईरान क्यों ना भेजें, इंडोनेशिया, बांग्लादेश क्यों ना भेजें कि भाई जा वहाँ देख क्या होगा, अगर वहाँ के उलमा ने फैमिली प्लानिंग इतनी अच्छी करा दी तो तुम क्यों नहीं करा सकते। या हम उन कंट्री से उलमा को अपने यहाँ बुला के उनके लेक्चर्स कराएं, उनसे इंटरेक्शन कराएं, ये मैंने रिकमेंड किया है। रिसोर्स बुक मैंने ऑलरेडी बताया कि रिसोर्स बुक बना दी जाए, मैं बना दूंगा इनको प्रो बोनो। तो फिर ये कि जो सक्सेस स्टोरीज है इंडिया में, कई जो जगह जगह एनजीओ ने बड़े अच्छे काम किए हैं, उनको हमें पॉपुलराइज कराना चाहिए और युवाओं को, यूथ को हमें और इन्वॉल्व करना होगा, और जो भी फॉल्स प्रोपेगेंडा है उसको हमें डिस्पेल करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट करनी पड़ेगी। मैंने तो ये किताब लेके कर दी, अब मुझे बड़ी खुशी है कि इस पे रिएक्शन बड़ा अच्छा आ रहा है। अगर आप अमेजन पे देखें, अगर 150 के करीब इनको कमेंट इसमें इन्होंने डाली है, तो पहले 3 दिन के छोड़ के जो पहले दिन ही मेरा मुसलमान नाम देख के, कुरैशी देख के जो 3 लोगों ने गालियां दी थी,
उनको छोड़ दीजिए, 147 लोगों ने इसकी तारीफ की कि साहब हमें नहीं मालूम था, आंखें हमारी खोल दी, और वो सब हिंदू है, 99% हिंदू है। यानी हिंदू, मैं जो एक बार बार एक अपने लेक्चर में भी कहता हूँ कि इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज हिंदूज आर सेक्युलर बेसिकली। जब 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो हम हिंदू स्टेट बना सकते थे, कोई रुकावट ना होती, लेकिन यूनैनिमसली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन चुना और 83% मेंबर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हिंदू। सो इसलिए फॉल्स प्रोपेगेंडा अगर हो रहा है, हुआ क्या कि इसलिए 70 साल में हमने इनको चैलेंज नहीं किया, क्वेश्चन ही नहीं किया, क्योंकि हम फ्रेंकली जब 25 साल पहले मैंने एक पेपर लिखने के लिए रिसर्च शुरू की थी, मुझे भी फीलिंग ये थी कि हाँ हर मुसलमान के 10 बच्चे होते हैं। तो लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कभी भी एक से ज्यादा का गैप नहीं था। तो हमें फॉल्स प्रोपेगेंडा को डिस्पेल करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट करनी पड़ेगी, और मेरी जहां जहां बुक लॉन्च और कहीं लेक्चर हुए वहां पे बहुत लोगों ने वॉलंटियर किया कि हम इस मैसेज को आगे लेके जाएंगे। तो ये मेरा फाइनल रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट प्लीज। फॉर्मली थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी मैं शुरू करता हूँ, तो वैसे भी वक्त हो गया। ये चेयरमैन बदर साहब, डॉक्टर कुरैशी साहब और जुमला ख्वातीन हजरात, ये इस मुझे ईमानदारी की बात यह है कि इसका अंदाजा नहीं था कि 360 डिग्री में इस मसले का आता कुरैशी साहब 45-50 मिनट में कर देंगे। नाउ इन्होंने जो हम लोग जो कमजोर तालिबे इल्म रहे थे उस जमाने में पढ़ा करते थे, तो मेड इजी टाइप की किताबें आती थी। ये आपका लेक्चर जो है ये एक मेड इजी मोड में है, एंड आई थिंक रिसोर्स बुक तो बनती रहेगी, लेकिन अगर ये प्रेजेंटेशन लोकल जबानों में उन लोगों के साथ जिनके जिम्मे फील्ड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का है यहाँ उनके सामने जाए तो उनको इसमें बहुत आइडिया मिलेंगे। This is not to say that resource book is not required. मैं सिर्फ 3-4 बातें अब ये कहूँगा, यानी ये कि इसमें कोई रस्मी बात नहीं है। एक तो ये है कि जो ये यादगारी खुतबा है फखरुद्दीन अली अहमद साहब मरहूम के बारे में, वो एक ऑब्वियसली उनका मेन फील्ड पब्लिक अफेयर्स था, और मेरे ख्याल में अगर हम आज के 4-5-6 टॉपिक्स देखें जिसमें पब्लिक अफेयर्स रिलेटेड जो बहुत रेलिवेंट होगा, वन ऑफ देम इज द टॉपिक टूडे, namely this you know myths which are created generally and myth in this particular case ke sahab demographically koi bada grand design hai ki ek community jo aaj ki date mein minority hai wo ek dusri community jo aaj ki date mein majority hai unko overtake karne ka koi bada concerted attempt kar rahi hai, ya agar concerted attempt nahi bhi kar rahi hai to us taraf badi tezi se ja rahi hai। To hamare aaj ke fazil speaker Qureshi sahab ne mere khayal mein isko bahut hi systematically डील किया है, एंड टू दैट एक्सटेंट आई थिंक इट इज ए फिटिंग ट्रिब्यूट टू द पर्सनैलिटी हु इज बीइंग कॉमेमोरेटेड टुडे इन द लेक्चर। दूसरी बात जो मैं कहूंगा, वो मैंने अपनी मुलाजमत शुरू की आज से 42-43 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में। मैं आसाम में तो नहीं था जहां एजिटेशन तब तक शुरू हुआ ही था, लेकिन मैं एक पास वाली स्टेट में था विच वॉज नेक्स्ट वर्स्ट अफेक्टेड, और वहां हमको सेंसस करानी थी। पहला चैलेंज था सेंसस कराने का। 81 सेंसस का प्रोसेस 1980 से शुरू होता है, हाउस लिस्टिंग जो कहलाती है। मैं जिस इलाके में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था उसमें कुछ गांव थे जहां सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन थी नेपालीज की, और बहुत ही शदीद मुखालफत थी इनके हाउस लिस्टिंग होने की, यानी सेंसस का प्रोसेस वहां मर्दमशुमारी का प्रोसेस शुरू होने के लिए। वहां जाके मैंने बात वगैरह की, तब तक मणिपुर में भी इंसर्जेंसी काफी शुरू हो चुकी थी, तो उसमें एक आध लोगों का कत्ल वगैरह भी हुआ। तो वहां के जो एक बहुत सो कॉल्ड रॉयल फैमिली थी, वहां के जो एक बड़े सरकर्दा शख्सियत थे, उनसे मैंने जाके बात की, और मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ वाकया सुनाने का कि आई थिंक आज के टॉपिक से इसका कितना ताल्लुक है। तो वो ये कहने लगे, देखिए साहब इन लोगों की जब हमको जरूरत थी 1920s-30s में नेपालीज की, तो हमने इनको बुलाया था क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चरल लेबरर्स की शॉर्टेज थी, और ये आए, इन्होंने काम किया, हम इनके शुक्रगुजार हैं, अब इनकी जरूरत नहीं, चले जाएं, क्योंकि अब ये लोग जो हैं ये जो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, कल को ही इलेक्टोरल रोल में जाएंगे,
वोटर्स लिस्ट के अंदर वोटर बनेंगे और इससे हमें दिक्कत पैदा होगी. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज मियरली व्हाट हैज बीन सो एबली एंड एलेबोरेटली मेड बाय कुरैशी साहब. और वो ये है कि सारा जो खेल है, प्रेजुडिसेस वगैरह तो अलग हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर ये मोटिवेट होता है, इसको तहरीक मिलती है सियासत से. और इस वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो सिफारिशात हैं कुरैशी साहब की, उसमें ये नहीं है कि उनके कोई अमल दरामद करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई दिक्कत होगी, बल्कि उसकी सियासी वजूहात हैं जो कि जिसमें वो हायल हो रही हैं. लेकिन चूंकि ये आवाज़ें उठ रही हैं और आवाज़ कुरैशी साहब की किताब के जरिए खासतौर से पढ़े लिखे तबके में बहुत ज़ोर से उठी है, मैं उम्मीद करता हूँ इसका तर्जुमा भी होगा. मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के कुछ हल्के, कुछ सेक्शंस जो हैं, इसकी तरफ बहुत तवज्जो देंगे. आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं कुरैशी साहब को पैराफ्रेज एक तरह से कर रहा हूँ कि ये मसला जो आज इस लेक्चर में जिसका अहाता किया गया है, ये मसला कम्युनल नहीं है, ये मसला सोशियो इकोनॉमिक है, जिसको कि हम में से कुछ लोग अपने फायदे के लिए कम्युनल बना रहे हैं और पोलिटिसाइज कर रहे हैं. तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरैशी साहब का कि उन्होंने इस आसान से, इस दोस्ताना अंदाज में, क्योंकि कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, 25 साल से इस सब्जेक्ट का वो मुताला कर रहे हैं, उन्होंने किस खूबी से किया कि लगा कि कोई बहुत आसान और सिंपल चीज़ है वाकईतन ऐसा नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, सब हाजरीन का शुक्रिया कि आप लोग आए, और हमें उम्मीद है कि इससे हमको तहरीक मिलेगी कि हम भी कुछ उसमें थोड़ा बहुत सोच सकें और कुछ अगर आगे इस मामले को बढ़ाने की कोशिश कर सकें. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया नवीद मसूद साहब. मैं आज के खुदमे में शरीक एसवाई कुरैशी साहब, डॉक्टर परवेज अली अहमद साहब, प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब, जस्टिस जनाब बदादुर्रेज अहमद साहब, नवीद मसूद साहब, डॉक्टर तरुलुदा साहब, रक्षंदा साहिबा, समीर खान साहब, रानी हफीज साहिबा, प्रोफेसर सदीक़ुर्रहमान खिदवाई साहब और तमाम नाजरीन का समीम कल्ब से शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद फखरुद्दीन अली अहमद लेक्चर में शिरकत फरमाकर इसको कामयाब किया. बहुत बहुत शुक्रिया सर. सदर जलसा से आज के इस खुतबे के अख्तिताम की इजाज़त चाहते हैं. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. शुक्रिया.